हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। 45 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाने के बाद। साथ ही साथ जितने आंसर आपसे आते होंगे वो भी आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि पहले का कौन सा आंसर होगा, दूसरे का कौन सा होगा। और यहाँ पे इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम है। और यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप टॉपिक स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जैसे आपने कल का टेस्ट लाइक शेयर किया था। और आगे भी इसी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट और रीजनिंग मैथ की वीडियोज़ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को एक लाइक के साथ। अगर आपको टेस्ट पसंद आएगा, लाइक तो आप कर ही देंगे, शेयर भी जरूर करिएगा। इसमें जो 45 क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट रहने वाला है अगर आप पूरे टेस्ट को लगाते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे कहां के विद्रोह से जुड़े थे? बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो, तीसरे का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे किस यूनिट के सिपाही थे? बिल्कुल सही, 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? वेरी गुड, अगर आप ऑप्शन राइट ए ऑप्शन ए राइट लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1857 की स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी थी? बहुत अच्छे, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जितने भी ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? बिल्कुल सही है राइट आंसर आपका ऑप्शन अगर आप बी लगा रहे हैं तो राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। भाई अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा आपको लग रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर थोड़ा टाइम दिया करें। क्वेश्चन नंबर 11, नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी कल एक बच्चे ने बोला था कि थोड़ी देर लगा रहने दिया करें, ठीक, तो वो मैं भूल गया था, अभी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ? बिल्कुल सही है, 12वें का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन उदारवादी दल से संबंधित है?
बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 13 का डी है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? बिल्कुल सही, सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की? बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन 16 का सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सेवनटीन का बताइएगा भाई। बिल्कुल सही, क्वेश्चन सारे के सारे आपको भी लग रहा होगा कि रिपीट है, ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी साथ में कराने वाला हूं, 18 का राइट आंसर तो हो जाएगा बी। ठीक है, एक है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो ये एनी पेशेंट जो थी अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और जो कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे तो वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो डी आर बिल्कुल सही आंसर है। 21, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, शेयर कर दी करेंगे तो अच्छे से और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, क्वेश्चन नंबर 22, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बिल्कुल सही, 23 का राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, 24, किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? 24 का बताइएगा भाई। बिल्कुल सही, 24 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा। 26, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ट्वेंटी सिक्स का बताइएगा भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत अच्छे, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी? ये भी काफी अच्छा और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वेरी गुड, 27 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 28, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किसने की थी, किसने किया था मतलब। ट्वेंटी सेवन का आपको पता चल गया ना, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, 28। बहुत अच्छे, अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 29, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी। बिल्कुल सही, 30वें का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31, करमचंद गांधी कहां के दीवाने थे। ये क्वेश्चन भी आपका भी पूछा गया था किसी एग्जाम में। बिल्कुल सही, 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। 32, महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम कौन सा है। बिल्कुल सही, यहां पे अगर आप ऑप्शन 32 का सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसने सत्याग्रह शब्द की रचना की थी। बिल्कुल सही, 33 का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी को पता होगा आपको। 34, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है। बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रॉयलेट अधिनियम विरोधी आंदोलन की दिल्ली शाखा का नेतृत्व किसने किया था। बिल्कुल सही, 35 का राइट आंसर यहां पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 36, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में इस्तीफा दिया। बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे 36 का बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग किस घटना का परिणाम था। बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं, 37 का बी हो जाएगा। 38, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। बिल्कुल सही, 38 का यहां पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह किसने कहा था। बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी। और देखिए दोस्तों, अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है आपका 40, इसके बाद 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था। बिल्कुल सही, 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे।
41। बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन डी यहाँ पे लगा रहे हैं तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? फोर्टी टू का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वेरी गुड। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? फोर्टी थ्री का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 44, वह पहले नेता कौन थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था? बिल्कुल सही, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 45, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? बिल्कुल सही, 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन सी राइट लगा रहे हैं तो। दोस्तों ये थे 45 क्वेश्चन, इनके आंसर ये रहे, पीडीएफ यहाँ पे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, वहाँ पे जो भी सबसे ऊपर लिंक आएगा उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। रीजनिंग, मैथ, ऑनलाइन टेस्ट की सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। और आप मुझे भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, बस सर्च करिएगा सौरभ मलिक, SAURABHMALIK, ठीक है। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपके डायरेक्ट मैसेज के रिप्लाई करूंगा जो भी आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी आपका स्कोर रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं टेस्ट का कमेंट जितने भी आते हैं वो सारे रीड करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि क्या मैं सुधार और कर सकता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अच्छा टेस्ट मिल सके। डेली मैं आपके लिए टेस्ट लेके आता रहूँगा, आप देखते रहिए 9 से 10 के बीच में डेली टेस्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।